मेरा नाम फाजिल अली है जी। जी। भाग्यशाली हूँ जो माता सीता के लिए मैं जो पायल बना रहा हूँ। सीता माता की पायल देखिए, एक पायल ये है, आप देखिए ये पायल है और माँ सीता की पायल है, तो उसको बनाने के लिए हिंदू कारीगर मुस्लिम कारीगर पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। देखिए किस तरह इनकी उंगलियां चल रही, बारीक काम है लेकिन उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तमाम कारीगर जुटे हुए हैं। तो आगरा बहुत बड़ा चांदी का हब है और यहाँ नितेश अग्रवाल जो है उनके कारखाने पे इसका निर्माण चल रहा है। सीता माता की पायल देखिए, एक पायल ये है और दूसरी पायल उधर बन रही है। तो इस पायल अरे की खूबियां वाह, तमाम है। क्या नाम है आपका और क्या क्या खास इसमें? मेरा नाम फाजिल अली है जी जी। ये पायल अयोध्या जाएगी, सीताराम जी की माँ के पेश होगी। इसके अंदर ये खासियत है कि घूमने वाला काशिन लगाया, मोर वाला काशिन लगाया, ये घूमने और वाला क्या है? अच्छा ये घूमने घूमेगा ये कास्टिंग अच्छा जी। और ये मोर वाला काशिन लगाया, इनको सीताराम जी को पसंद था मोर इसलिए। और साइड में नग वाला काशिन लगाया, और काफी बहुत बारीक काम, महीन काम दिया गया इसके अंदर। काफी टाइम से बन रही है, 15 दिन हो गए बनाते बनाते से, 15 दिन लगभग 15 दिन लग चुके हैं बनाते बनाते, आज फाइनल हो जाएगी ये। इसमें जो छोटे छोटे पत्थर लगे हैं ये कहाँ से आए हैं? बाहर से आइए अच्छा बाहर जी। से आए। और भी दूसरे कारीगर उनसे भी हम जान लेते हैं, आप बताइएगा ये कब तक तैयार हो जाएगी और क्या क्या इसकी विशेषता है? ये 1-2 दिन में और तैयार टाइम लगेगा। इसकी विशेषता तो ये कि इसमें 2 चक्र लगाए गए हैं जो माता जी को बहुत पसंद थे। एक तो उनके जब वनवास गई थी तो उनके यहाँ चाकी देखी थी हमने, जो आज भी हमें दूरदर्शन वगैरह चैनलों पर दिखाई जाती है, तो चाकी देखी थी। एक तो वो थे, और ब्रह्मा जी ने जो हम प्रजापति समाज को जो हमें चाक दिया था कलश बनाने के लिए, उसको हमने ये अर्पण कर दिया। दूसरे ये मोर जो माता सीता जी को बहुत ज्यादा पसंद थे, तो वो हमने मोर लगाया। इसमें काफी सोच समझ के हमने ये डिजाइन, पहले तो ये हमने डिजाइनिंग की इसकी, फिर उसके बाद हमने ये प्रोग्रेस पे लिया। 15 दिन तक ये हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। अभी इसमें 2-3 दिन और लग जाएंगे। और जो इसमें नग वगैरह जो भार के हैं, ज्यादातर मार्बल पत्थर के हैं इसके अंदर, और डायमंड्स हैं थोड़े बहुत, कुछ मीने हैं, मतलब कलर्स हैं, यही तो खासियत कितनी खुशी आपको लग रही है, मतलब जो अयोध्या में इतना बड़ा काम हो रहा है उसके बाद आपके हाथों से बनाई गई पायल को माँ सीता पहनेंगी, तो ये कैसा लग रहा है? क्या है। मैं कहेंगे? बहुत भाग्यवान, भाग्यशाली हूँ जो माता सीता के लिए मैं जो पायल बना रहा हूँ, और ऐसा अवसर शायद अभी तक किसी को नहीं मिला जो मेरे को मिला है। तो कितने लोग इसमें लगे बनाने में और कैसे ये कब दिया गया काम आपको, कब तक चलेगा? ये कम से कम प्रोग्रेस में ये पायल चली है, अगर 15 दिन चली है, और इसमें लोगों के मेहनत लगी है, करीबन 30 से 40 लेबर के हाथ लगे हैं इसमें, जब ये कंप्लीट आकर हुई है अभी पायल। ये अभी कितना दिन लग जाएगा बनने अभी में? 1-2 दिन और लग जाएगा इसके अंदर। तो ये पायल जो है आप देखिए, दोनों पायल जिसे सीता माँ को पहनाया जाएगा, एक ये पायल दूसरी उधर बन रही है। तो ये पायल के बारीक कामों में यहाँ जो कारीगर हैं वो जुटे हुए हैं। इसमें मोर भी है और घूमने वाला चक्र भी है और इसे आगरा में तैयार किया जा रहा है, ताजनगरी आगरा में। तो ये गौरव की बात है और श्रद्धा आस्था शिखर पर है आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आगरा में आगरा का गहरा नाता रहा है अयोध्या से। माँ सीता की पायल तैयार हो रही है और यही पायल जब 22 तारीख को दुनिया भर में अयोध्या की गूंज होगी, प्रभु श्री राम आए हैं की गूंज होगी, तो ये पायल की गूंज भी जरूर होगी। इसी उम्मीद के साथ यहाँ जो कारीगर है वो पूरी मेहनत के साथ पायल को खूबसूरत बनाने में जुटे हैं। हिमांशु त्रिपाठी, आगरा।